दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। औरंगाबाद के जिलाधिकारी कंवल तनुज के आवास पर आज सीबीआई की एक टीम पहुंची और वहां किसी मामले को लेकर आवश्यक पूछताछ की। हालांकि अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार किया है। जब तक कोई भी अधिकारी मामले के बारे में नहीं बताते, तब तक सही वस्तु स्थिति का पता नहीं चल पाएगा कि आखिर किस मामले को लेकर सीबीआई की टीम यहां पहुंची है। गौरतलब है कि इस बात की खबर मिलते ही डीएम आवास के पास लोगों का जमावड़ा लग गया। बाद में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी वहां कर दी गई। बाहर निकले जांच टीम के एक अधिकारी से जब बात करने की कोशिश की गई, तब उन्होंने छापेमारी की पुष्टि तो जरूर की, मगर और कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। इस बीच जिलाधिकारी के आवास की ओर किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। चल रहा है, रेड हुआ है बस इतने किस चीज का रेड हुआ है सर? एक मिनट मेरे को टाइम दे। किस चीज का जांच चल रही है अभी सर? आप प्लीज सीबीआई में स्पोक्स पर्सन है उनसे बात कर लीजिए, और स्पोक्स पर्सन से बात कीजिए, हम लोग नहीं बताएंगे। आखिर किस मामले को लेकर यहाँ पर लोग आए? लैंड एक्विजिशन। औरंगाबाद पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब उन्होंने 50 किलो गांजे के साथ दो तस्करों को धर दबोचा। मदनपुर थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि गांजे की एक बड़ी खेप उड़ीसा से बनारस की ओर जाने वाली है। इसी आधार पर जब पुलिस ने NH2 पर शिवगंज के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, तब उनकी सूचना सच साबित हुई और गांजा समेत पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी जब्त कर लिया है। औरंगाबाद में आज स्कूली छात्रों के द्वारा एड्स के खिलाफ एक जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली गांधी मैदान से चलकर मुख्य बाजार रमेश चौक होते हुए समाहरणालय तक पहुंची, जहां छात्रों ने एड्स के खिलाफ एक जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सिविल सर्जन जनार्दन प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। छात्रों ने रैली और कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को इस जानलेवा बीमारी से बचने की जानकारी दी। छात्रों ने बताया कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस लाइलाज बीमारी की जानकारी नहीं है और वे जाने अनजाने इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। हमारी इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच में जागरूकता लाकर उनके जीवन को बचाना है। वहीं सिविल सर्जन ने भी बच्चों के इस कार्य की सराहना की। ये एड्स का जागरूकता अभियान है, इसमें जनरल पब्लिक को एड्स के बारे में जागरूक करना है कि एड्स क्या है, कैसे फैलता है और उसको कैसे आप रोकथाम कर सकते हैं, और इस प्लेसमेंट की जानकारी दिन दिया हुआ है, और HIV का जहाँ अधिक से अधिक लोग कराएं, किस लोगों को संक्रमित करता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। दाऊदनगर प्रखंड के कर्मा पैक्स का चुनाव परिणाम गुरुवार की देर रात को घोषित हुआ। मतों की गिनती के बाद अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व पैक्स अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह को 70 मतों से पराजित किया और कर्मा पैक्स के अध्यक्ष पद का ताज हासिल किया। वहीं पिछड़ी जाति वर्ग से शकुंतला देवी और अति पिछड़ा वर्ग से मीना देवी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जबकि शेष अन्य सदस्य मतदान द्वारा निर्वाचित हुए। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने नव निर्वाचित अध्यक्ष एवं सदस्यों को निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिया। प्रखंड के कर्मा ग्राम पंचायत के पैक्स चुनाव की मतगणना कल देर रात संपन्न हुई, जिसमें कुल 1253 मत पड़े, जिसमें
ओम प्रकाश सिंह 410 मत, कृष्ण कुमार सिंह जी 24 मत, जगन्नाथ सिंह 340 मत, दीनानाथ सिंह 229 मत, सिकंदर सिंह 104 मत और सिद्धेश्वर सिंह 73 मत तथा 73 रद्द मत हुए। इसमें ओम प्रकाश सिंह जी कुंती देवी के 70 वोट से विजयी घोषित हुए। इन्होंने जगन्नाथ सिंह को हराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को 25 फरवरी को मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचा सके। उक्त बातें सिंचाई विभाग के निर्माण में आयोजित प्रेस वार्ता में ओबरा विधानसभा क्षेत्र से दो बार जदयू प्रत्याशी रहे जदयू के वरिष्ठ नेता प्रमोद सिंह चंद्रवंशी ने कही। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी प्रखंडों में कार्यकर्ताओं को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी प्रखंडों में 13 मास्टर ट्रेनरों की टीम कुल 13 बिंदुओं पर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। शराबबंदी, दहेज बंदी, महिला सशक्तिकरण, 7 निश्चय योजना, लोक शिकायत निवारण कानून समेत अन्य बिंदुओं पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हुए उन्हें बताया जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं उसका लाभ किस प्रकार से आम जनता को मिल रहा है और राज्य का चहुमुखी विकास हो रहा है, इसके माध्यम से योजनाओं का फीडबैक भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकसित राज्य बनने की श्रेणी में आगे बढ़ रहा है। पूरे राज्य के 534 प्रखंडों में हमारे राज्य में जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता है वो सभी प्रखंड में जाएंगे, यानी एक प्रखंड में 13 कार्यकर्ता जाएंगे। प्रशिक्षित हमारे मास्टर प्रशिक्षित मास्टर हैं, उनके द्वारा विभिन्न विषयों पर वो जो ऐसे अपना विचार रखेंगे और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण से लैस करेंगे, ताकि वो गांव में जा करके जो सरकार की उपलब्धियाँ हैं, सरकार ने क्या क्या योजना चलाई है राजहित में, कौन सा कानून राजहित में है, लोगों के हित में है, इसे संदर्भ में विस्तार पूर्वक 25 फरवरी को 10 बजे से हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा और 13 हमारे मास्टर जो प्रशिक्षित हैं वो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।